दिस इज योर साइंस बुक एज वी हैव कम्प्लीटेड द थर्ड लेसन यूजफुल एनिमल्स वी न्यू अबाउट द एनिमल्स हाउ दे हेल्प अस एंड टूडे आई एम गोइंग टू कम्प्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन सो यू मस्ट इमिटेट इन योर नोटबुक विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक दिस इज योर साइंस बुक लेसन 3 यूजफुल एनिमल्स Today we are going to make the exercise of this lesson. The first exercise, tick the correct option. This is a multiple question. In this question, we are getting three options. You will have to write, you will have to tick one which is correct. So let's read. This animal lives in a pen. Number one, this animal lives in a pen. ये जानवर pen में सोता है बागान बागान में रहता है In this question we are getting three option. The first is bird, second is sheep, and the third is fish. Which animal lives in a pen? Which is the correct answer? B is correct answer. Sheep lives in a pen. So tick the correct answer. B is correct. So tick the correct one. Sheep lives in a pen. Second number. This animal lays eggs. ये जो जानवर है क्या देता है? अंडा देता है. Which animal lays eggs? कौन सा जानवर अंडा देता है? The first is duck. Second is cow and the third is squirrel. Duck lays egg. बत्तख क्या देता है? अंडा देता है. तो which is correct? The first one is correct. Tick the first one. Number three. This animal is called the beast of burden. इस जानवर को बोझ ढोने वाला जानवर कहते हैं. विच एनिमल इज कॉल्ड द बीस्ट ऑफ बर्डन? कौन से जानवर को बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं? द फर्स्ट वन इज रैबिट, सेकेंड इज जिराफ, एंड द थर्ड इज एलिफेंट. यहाँ पे कौन सा जानवर बोझ ढोता है? जैसा कि आप लोग इस लेसन में पढ़ चुके हैं, बीस्ट ऑफ बर्डन कौन सा जानवर कहलाता है? एलिफेंट. द थर्ड वन इज करेक्ट. टिक द थर्ड वन. Number B, fill in the blanks. We are getting blanks here. You will have to complete the blanks with the help of this lesson. The first one is telling that the hair of and blank is used to make woolen cloth. The hair of यानी कि बाल और क्या बनाने में होता है? woolen cloth यानी गर्म कपड़ा. तो किसका बाल का यूज करते हैं हम लोग वुलन कपड़े बनाने के लिए? तो हम लोग को क्या करना है? इस ब्लैंक को इस लेसन की मदद से, इस बुक में जो ये चैप्टर दिया गया है, थर्ड चैप्टर, इसकी मदद से क्या करना है? कंप्लीट करना है. तो हम लोग को यहाँ पे सर्च करना है कि द हेयर ऑफ विच एनिमल गिव अस वूल. जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप याक एंड इवन रैबिट्स एंड माउंटेन गॉड्स. The hair of yak sheep is used to make woolen cloth. Yak का बाल, भेड़ का बाल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? Woolen cloth यानी गर्म कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है. ये लोग का बाल का इस्तेमाल हम लोग क्या किस चीज़ के बनाने के लिए करते हैं? गर्म कपड़ों को बनाने के लिए इन लोग का बालों का इस्तेमाल करते हैं. नंबर सेकेंड, अ हैन गिव्स अस, मुर्गी देती है ब्लैंक एंड ब्लैंक. मुर्गी हम लोगों को क्या देती है? सेकेंड नंबर में जो है अ हैन गिव अस, मुर्गी देती है क्या देती है? तो हम लोग को क्या करना है इस लेसन की मदद से, इस चैप्टर की मदद से हम लोग को
ये ब्लैंक को फिल करना है, तो हम लोग को सर्च करना है कि हम लोग को मुर्गी क्या क्या देती है। मुर्गी हम लोग को क्या देती है? हैंस एंड डक्स गिव अस एग्स। मुर्गी हम लोगों को अंडे देती है और क्या देती है? मीट देती है। तो मुर्गी हम लोग को क्या क्या दे देती है? एक अंडा हुआ और सेकंड क्या हो गया? मीट। मीट यानी कि गोश्त। अ हैन गिव्स अस एग्स एंड मीट। नंबर थ्री, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध का सामान क्या क्या हो गए? यहाँ पे दो दो चीज़ों के नाम लिखने हैं जो क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूध का सामान है। तो क्या क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता है, चीज़, बटर, ये सब क्या है? दूध से बने सामान है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि डेयरी प्रोडक्ट्स क्या हो गए? बटर एंड चीज़ आर डेयरी प्रोडक्ट्स। बटर 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 में सोता है मक्खन, BUTTER बटर। चीज़ CHEESE चीज़ आर डेयरी प्रोडक्ट्स। फोर्थ नंबर में है ब्लैंक एंड ब्लैंक आर पैट एनिमल्स। पैट यानी कि पालतू जानवर। कौन कौन से पालतू जानवर है? कैट एंड डॉग आर पैट एनिमल्स। कुत्ते और बिल्ली क्या हैं? पैट एनिमल्स, पालतू जानवर। कैट एंड डॉग आर पैट एनिमल्स। वी हैव कंप्लीटेड दिस ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर। द हेयर ऑफ याक एंड शिप इज यूज टू मेक वूल एंड क्लॉथ्स। अ हैन गिव्स अस एग्स एंड मीट। नंबर थ्री, बटर एंड चीज आर डेयरी प्रोडक्ट्स। नंबर फोर, कैट एंड डॉग आर पेट एनिमल्स। नंबर सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, उसको बयान करना है कि ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है। इफ द ट्रू यू विल राइट हेयर ट्रू, इफ द फॉल्स यू विल राइट हेयर फॉल्स। द फर्स्ट इज, एनिमल्स लाइक द डंकी आर कॉल द बीस्ट ऑफ बर्डन। एनिमल्स जानवरों, जैसे कैसे जानवर हो गया, गधा आर कॉल, गधे को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? बीस्ट ऑफ बर्डन, ऐसा जानवर जो क्या करता है, बोझ ढोता है, बोझ। एनिमल्स लाइक द डंकी आर कॉल द बीस्ट ऑफ बर्डन, ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं, बोझ ढोने वाले जानवर कहते हैं। ये स्टेटमेंट जो है, ये सेंटेंस सही है कि फॉल्स है? ये क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को? ट्रू। नंबर सेकेंड, वी गेट लेदर ओनली फ्रॉम द स्किन ऑफ अ स्नेक। हम लोगों को चमड़ा कहाँ से मिलता है? सांप के खाल से। सिर्फ हम लोग को सांप के खाल से ही हम लोग को क्या मिलता है? लेदर मिलता है। ये जो सेंटेंस है, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? हम लोगों को लेदर गाय के चमड़ों से, बफलों के चमड़ों से भी मिलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये सेंटेंस क्या है? गलत है। वी गेट लेदर ओनली लिखा हुआ है, हम लोग सांप की चमड़ी स्किन से भी हम लोग को लेदर मिलता है, लेकिन सिर्फ सांप के ही स्किन से हम लोग को नहीं मिलता है लेदर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वी गेट लेदर ओनली। यहाँ पे जो ओनली की वजह से ये सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत। यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है? फॉल्स। नंबर थ्री, ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल्स। ऊल हासिल किया जाता है फ्रॉम द हेयर ऑफ द एनिमल्स, यानी जानवरों के बालों से हम लोग क्या हम लोग को मिलता है? ऊल। ऊल यानी कि ऊन। हम लोग को कहाँ से मिलता है ऊन? जानवरों के बालों से।
ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल्स, यानी कि ऊन हम लोग को जानवरों के बाल से मिलता है। ये सेंटेंस क्या है? सही है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है सही के लिए? ट्रू। नंबर फोर, अ हॉर्स कैन नॉट बी यूज टू कैरी लोड्स। अ हॉर्स कैन नॉट, एक घोड़ा नहीं, कैन नॉट बी यूज यानी कि उसका घोड़े का इस्तेमाल सामान ले जाने में या लादने में, सामान को ढोने में नहीं किया जाता है। घोड़ा सामान को कैरी नहीं कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है कि सही है? अगर घोड़ा सामान को नहीं कैरी कर सकता तो हॉर्स राइडिंग नहीं किया जा सकता होगा। तो ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। ए हॉर्स कैन नॉट बी यूज टू कैरी लोड्स, घोड़ा सामान को लाद नहीं सकता है। ये सेंटेंस हो जाता है गलत। यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है? फॉल्स। नंबर फाइव, वी गेट ओनली हनी फ्रॉम द बी हाइव। हम लोग को सिर्फ हनी कहाँ से मिलता है, शहद कहाँ से मिलता है हम लोगों को? मधुमक्खी के छत्तों से। वी गेट ओनली हनी फ्रॉम द बी हाइव, हम लोग सिर्फ मधुमक्खी के छत्तों से ही हम लोग को शहद मिल सकता है। ये सेंटेंस क्या है? ट्रू। हम लोग को शहद कहाँ से मिलता है? बी हाइव से, यानी कि मधुमक्खी के छत्तों से। डी नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं, आपको क्या करना है उसके जवाब को लिखना है। द फर्स्ट इज नेम एनी टू फार्म एनिमल्स। नेम एनी टू फार्म एनिमल्स, फार्म एनिमल्स में सोता है ऐसा जानवर जो कहाँ रहते हो? खेत में। फार्म में सोता है खेत में। दो खेत में रहने वाले जानवरों के नाम लिखिए। सेकेंड नंबर है, विच एनिमल्स गिव अस ऊल। कौन सा जानवर, किस तरह के जानवर हम लोग को ऊन देते हैं? नंबर फोर, हाउ आर हनी बीज हेल्पफुल टू अस। मधुमक्खियाँ हम लोग के लिए लाभदायक कैसे हैं? नंबर फाइव, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ पेट्स। हम लोग जानवरों का, पेट एनिमल का ध्यान कैसे रख सकते हैं? हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ पेट्स, हम लोगों को पालतू जानवरों का ध्यान कैसे रखना चाहिए? नंबर वन का आंसर क्या हो जाएगा? नेम एनी टू फार्म एनिमल्स। टू फार्म एनिमल्स क्या क्या हो गए? पहला हो गया काउ, दूसरा हो गया बफलो। सी ओ डब्ल्यू काउ, बफलो। बी ओ डबल एफ ए एल ओ गाय और भैंस। नंबर टू, विच एनिमल्स गिव अस उल, कौन से जानवर हम लोग को क्या देते हैं? कौन कौन से जानवर हम लोगों को ऊल, ऊल यानी कि ऊन देते हैं? तो पहला क्या हो गया? शिप। याक, रैबिट्स, एंड माउंटेन गॉड्स। शिप, याक, रैबिट्स एंड माउंटेन गॉड्स गिव अस उल। शिप, याक, खरगोश और पहाड़ी बकरियां हम लोग को क्या देती है? ऊल देती है। नंबर थ्री, व्हाट डू वी यूज ऊल फॉर, हम लोग व्हाट डू वी यूज ऊल फॉर, हम लोग ऊल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ऊल का इस्तेमाल क्या करने के लिए करते हैं? हम लोग को जो ऊल मिलता है तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते क्या है, उससे क्या फ़ायदा है, हम लोग उससे क्या बनाते हैं? व्हाट डू वी यूज ऊल फॉर? वी यूज ऊल
for to make sweaters and blankets. We use wool for to make sweaters and blankets. हम लोग ऊल का इस्तेमाल स्वेटर और कंबल बनाने के लिए करते हैं. नंबर फोर, हाउ आर हनी बीज हेल्पफुल टू अस. हनी बीज कैसे, हनी बीज यानी कि मधु शहद की मक्खियाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं. कैसे हम लोग कह सकते हैं कि शहद की मक्खियाँ क्या है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है. बिकॉज हनी बीज मेक हनी बिकॉज हनी बीज मेक हनी एंड वी यूज दिस हनी एज फूड. क्योंकि शहद की मक्खियाँ क्या तैयार करती हैं, क्या बनाती हैं, शहद तैयार करती हैं. एंड वी यूज दिस हनी और हम लोग इस शहद को एज फूड खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं. द वैक्स फ्रॉम द बीहाइव इज यूज्ड इन मेकिंग कैंडल्स. और जो मोम होता है उनके छत्तों का, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, मोमबत्ती बनाते हैं. तो हम लोग को शहद की मक्खियाँ से बहुत फ़ायदा है. एक शहद की मक्खियाँ हम लोग को क्या देती है, शहद देती है. और दूसरा, उनके छतों में जो मोम होता है उससे हम लोग क्या तैयार करते हैं, कैंडल्स तैयार करते हैं. नंबर फाइव, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ पेट्स. हम लोगों को पालतू जानवरों का ध्यान कैसे रखना चाहिए. वी ट्रीट देम एज मेम्बर ऑफ आवर फैमिली. वी फीड देम वेल एंड टेक केयर ऑफ देयर नीड्स. हम लोग को उनको क्या करना चाहिए, अपने परिवार के सदस्यों की तरह रखना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए उनके साथ. वी फीड देम वेल, हम लोगों को उनको अच्छा से खिलाना चाहिए. वी फीड देम वेल एंड टेक केयर ऑफ देयर नीड्स. हम लोग को उनको अच्छे से खिलाना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए. वी हैव कम्प्लीटेड दिस एक्सरसाइज. यू विल राइट इन योर नोटबुक